बाहर ऐसी तेज बारिश हो रही हो तो सबसे पहले आपका क्या मन करता है खाने को? जी हाँ, गरम गरम कुरकुरे पकौड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल से फूडी रे। आज मैं आपके लिए मॉनसून स्पेशल रेसिपी कुरकुरे कैबेज ऑनियन पकौड़े की रेसिपी लाई, जिसे सर्व करेंगे बहुत ही स्पाइसी धनिया और सेव की चटनी के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। पकौड़े तो डीप फ्राइड ही अच्छे लगते हैं खाने में, पर आपको अगर इसका हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एक बाउल में एक कप कैबेज के स्लाइसेस ऐड करें, एक कप प्याज के स्लाइसेस ऐड करें, एक टेबलस्पून हरी मिर्च, एक टेबलस्पून अदरक, एक टीस्पून अजवाइन के सीड्स को हाथों से क्रश करके ऐड करें, एक चौथाई चम्मच हींग का पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर के अनुसार नमक और थोड़े से धनिया पत्ते ऐड कर दें। अच्छे से हाथों से मिक्स करें। मिक्स करते टाइम हाथों से अच्छे से मस लें ताकि जो कैबेज और हमने जो ऑनियन ऐड किए उनका जो पानी है वो रिलीज हो सके। पैन गरम करके एक टेबलस्पून धनिया के बीज, एक टेबलस्पून जीरा और तीन सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर दे। इसे हल्की आंच पे अच्छे से भून ले ताकि ये हल्के गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो जाए। इनको ठंडा करके इन्हें एक दरदरा सा पाउडर बना ले। ये जो स्पेशल मसाला हमने पकौड़े के लिए बनाया है ये दरदरा होना चाहिए, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इस स्पेशल मसाले को पकौड़े के मिक्सचर में ऐड कर दें और आधा कप बेसन ऐड करें। दो चम्मच चावल का आटा भी ऐड करें, इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। अब सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लें। हमें एक लूज बैटर नहीं बनाना, हमें एक टाइट सा बैटर बनाना है। फ्राई करने के पहले हमें एक चम्मच गरम तेल ऐड करना है बैटर में, अच्छे से मिक्स करना है स्पून के साथ। अब मीडियम गरम तेल में हमें पकौड़ों को फ्राई करना है। बीच बीच में हिलाते रहे ताकि पकौड़े अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक जाएं। हमें पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जी, हमारे टेस्टी और क्रिस्पी कैबेज ऑनियन के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। हरी मिर्च में चीरा डालकर उन्हें भी फ्राई कर लें। स्पाइसी धनिया सेव चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में धनिया पत्ते लें, चार हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो टेबलस्पून सेव, काला नमक स्वाद के अनुसार, याद रहे सेव में भी नमक है, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नींबू का रस और दो टेबलस्पून ठंडा पानी या आइस क्यूब। स्मूथ सा पेस्ट बना लें और देखिए हमारा टेस्टी और स्पाइसी धनिया सेव की चटनी बिल्कुल तैयार है। क्रिस्पी कैबेज ऑनियन पकौड़ों को धनिया और सेव की चटनी के साथ सर्व करें। और तली हुई हरी मिर्चों से गार्निश कीजिए। तो आप भी इस बारिश के मौसम में ये टेस्टी और क्रिस्पी कैबेज ऑनियन के पकौड़े बनाइए, और ये जो धनिया और सेव का चटनी हमने बनाया था वो भी आप बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसे बने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे। बाय।